नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा MPCHO के न्यू अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, कल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई थी, प्लस उसके साथ एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। कई लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आया, कई लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स भी किए थे कि जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से लगेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे किस तरीके से बॉन्ड को बनवाना है, वेटिंग लिस्ट क्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे 480 सिर्फ यहाँ पे जो है पोस्टें थी, प्लस यहाँ पे जिन लोग को उम्मीद थी हमारा इसमें सिलेक्शन होगा, उन लोग का यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें हमारा नाम आ सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिएशन में क्या कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है रिजेक्ट हो सकते हैं, क्या एक्चुअल यहाँ पे 100 के 100 तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे जो है सक्सेसफुल नहीं होते हैं, किसी को किसी रीज़न के कारण यहाँ पे जो निकाल दिया जाता है, कोई सी अलग रीज़न से यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। यहाँ पे मैं आपको एक नई अपडेट निकल कर आ रही है बॉन्ड के फॉर्मेट के बारे में, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम सीधे ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आप लोग से मिस ना हो। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज यहाँ पे आती है सबके नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं लेकर आता रहता हूँ, और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी वीडियो में समझा देता हूँ। तो आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे NHMCHOMC कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसे ही आप यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेट फॉर CCH पोस्ट रिक्रूटमेंट 28 अगस्त 2024। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेट जारी कर दिया गया हुआ है। पहले यहाँ पे जो है कोई भी नई अपडेट नहीं थी, अब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेट भी आप यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसा रहेगा फॉर्मेट वो आपको बता देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग को बॉन्ड का यहाँ पे जो है इस तरीके से फॉर्मेट देखने को मिल जाता है, जो कि स्टाम्प पे यहाँ पे 500 वाले पे आपको बनवाना है। नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड, उसके बाद बोला गया हुआ है यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया गया हुआ है जिसमें यहाँ पे जो है आप लोग को फिलअप करना होगा, यही बॉन्ड यहाँ पे जो है आपको देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है बॉन्ड को यहाँ पे फॉर्मेट जारी कर दिया गया हुआ है, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत आई है तो आप इसको यहाँ पे जो है फाइनल सबमिट नहीं कीजिएगा, फाइनल फिलअप नहीं कीजिएगा, पहले इसको समझिए किस तरीके से फिलअप करना है। जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में, या फिर आप इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, क्योंकि कल काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूजन में थे कि बॉन्ड कैसे बनवाना है, बॉन्ड का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, बॉन्ड गलत तो नहीं हो जाएगा, बॉन्ड से हम रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेट इन लोगों ने यहाँ पे जारी कर दिया गया हुआ है। तो ये यहाँ पे बॉन्ड की अपडेट थी जो कि मैंने आप लोग को बता दी है। अब वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट का ऐसा है, देखिए अभी जितनी भी वैकेंसीज आई है ना, अभी किसी की भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं आई। जैसे माइक्रोबायोलॉजी की अगर फाइनल लिस्ट देखें, आप जितनी भी यहाँ पे फाइनल लिस्टें आई हैं अभी किसी की भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे निकल के नहीं आई है। तो यहाँ पर तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी की जाए। तो जिन लोग का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है वो थोड़ा और वेट कर लीजिए, हो सकता है यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ नई अपडेट आपको देखने को मिले। क्योंकि अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने आप लोग के, अभी यहाँ पे जो है इस बार ऐसा रहना है कि पूरे यहाँ पे जो है ऐसा तो इन्हीं कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे किसी वैकेंसीज में नहीं होता है, किसी को किसी रीज़न के कारण यहाँ पे जो है बाहर कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अलग अलग यहाँ पे रीज़न्स होते हैं कैंडिडेट्स के, ठीक है। तो जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स अधूरे, किसी का गलत जानकारी, किसी का यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मिसमैच होना, तो यहाँ पे अलग रीज़न्स यहाँ पे जो है अलग अलग रीज़न्स होते हैं। जो कि यहाँ पे चीज़ें कब क्लियर होगी, जब फाइनली इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे जो है आप लोग को इसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ यहाँ पे जो है कह सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे किसी भी वैकेंसीज की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। अगर आप यहाँ पर देखें, पोस्टिंग ऑर्डर आया था ऑपरेटिव असिस्टेंट का, इसका भी यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आया था। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो हम यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आई थी जिसका अभी कुछ भी वेटिंग लिस्ट कहीं भी नहीं आया है। तो ये यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट के लिए जो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं तो वो यहाँ पे और वेट कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे कई लोग को कन्फ्यूज़न था डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में, कितने यहाँ पे सेट्स आपको फोटोकॉपी का करवाने, ये सारी चीज़ के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे जो है 136 एग्ज़ाम आईडी पे जाएंगे, हम एग्ज़ाम आईडी पे चलते हैं सीधे। यहाँ पे जो है आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कई लोगों ने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा नहीं, तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हुई है आप लोग को, आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा नहीं है। यहाँ पे 30/31/2024 प्रातः 10 बजे शाम 5 बजे तक आप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण संबंध में निम्न निर्देश का पालन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका प्रवेश पत्र का समय यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 15,000 का यहाँ पे जो है डिमांड ड्राफ्ट आपका लगेगा, इग्नू भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय सूची संलग्न के नाम से। इस नाम से यहाँ पर आपको बनाना अनिवार्य है, ठीक है, लाना अनिवार्य है। ये आप देख सकते हैं, ये राशि जमा नहीं की जाएगी, ये राशि को पूर्ण करने के बाद पश्चात अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। तो वापस कर दिया जाएगा, कई लोग को यहाँ पे लग रहा है कि ये रख दिया जाएगा, तो वापस कर दिया जाएगा जो कि लिया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रवेश पश्चात आवंटे के प्रोग्राम स्टडी बाद 2 सितंबर 2024 प्रातः 9 बजे से रिपोर्ट करेंगे, ये बता दिया गया हुआ है। दिनांक 31 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया हुआ है, देख सकते हैं, प्रतिनिधि द्वारा संलग्न आईडी फॉर्म प्रारूप से जानकारी और प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर जमा की जानी होगी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको बता दी गई है।
डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पूरा यहाँ पे डिटेल्स दी गई हुई है, इस पर मैंने फुल वीडियो बनाया, जिन्होंने वीडियो जाकर नहीं देखी जाके चेकआउट कर सकते हैं। कई लोग को अभी भी कंफ्यूजन था कि यहाँ पे जब मैंने बॉन्ड के बारे में बताया तो कई लोग बोल रहे थे बॉन्ड कैसे बनेगा, तो बॉन्ड यहाँ पे जो है फॉर्मेट दे दिया गया हुआ है, जो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो अब यहाँ पे सॉल्व हो गई है। इस तरीके से आपको बॉन्ड बनवाना होगा, मूल निवासी आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 15 दिवस के अंदर भीतर क्या हुआ आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस है वो होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट कोर्स का, कम्युनिटी हेल्थ चयन परीक्षा सूची का प्रवेश मूल सत्ता पे छाया प्रति, किसी भी प्रमाण पत्र और किसी कमी होने की स्थिति में उम्मीदवारों को अपात्र माने जाएंगे, ऐसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इस संबंध में कोई भी आवश्यक मान्य नहीं होगा। तो ये यहाँ पे पहले ही बता दिया गया हुआ है बोल्ड लेटर में, यहाँ पे जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो है पहले ही बोल दिया गया हुआ है नोट, यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें। अब यहाँ पे जो है आप लोग को सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेशन के यहाँ पे जो है जुलाई और दिसंबर की डिटेल देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जुलाई में आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी थी, रिजल्ट आना था, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इस तरीके से दिया गया हुआ है सेशन, जो सेशन यहाँ पर जो चालू होना था। अब इग्नू की कॉपी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ओरिजिनल यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट, उसके बाद यहाँ पे इग्नू एडमिशन फॉर द ड्यूली फील्ड बाय कैंडिडेट्स 10, 12 GNM, BSc, PBSc आपने किया हो तो लाइव काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड वाला फिल, ID कार्ड, NHM के यहाँ पे जो है आपका एडमिट कार्ड, DD कॉपी, ओरिजिनल बॉन्ड जो कि 500 फॉर्म पे बनना है, इग्नू एडमिशन फोटो कॉपी, एमपी डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट, तो इस तरीके से हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया गया हुआ है। फॉर्मेट यहाँ पे रहने वाला है जो कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मेट है, इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, इस तरीके से आपको फिलअप करना होगा, तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। पहले आप इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़िए, समझिए, मैंने उसको फुल वीडियो बनाया है, जिन लोग को भी डाउट्स है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थी नई अपडेट बॉन्ड के बारे में, जो कि मैंने आप लोग को बता दी रिसेंटली, अभी यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेट जारी किया गया हुआ है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अब वेटिंग लिस्ट वाले यहाँ पे थोड़ा और वेट कर लीजिए, जैसे ही अगर कोई नई अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा, 30 अगस्त तक यहाँ पे इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया गया हुआ है यहाँ पे जो है, उसके बाद ही यहाँ पे चीज़ें क्लियर होनी है कि आगे यहाँ पे जो है या वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है, आपको पता होगा चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा लोगों ने की थी, 10,300+ यहाँ पे जो है कॉमन मेरिट लिस्ट में थे, और चॉइस फिलिंग भी अच्छी खासी यहाँ पर हो गई थी। अब यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आना था, उसके बाद यहाँ पे क्लियर होगा कितने कैंडिडेट यहाँ पे जो बाहर हुए हैं, कितने को यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे जो बचते हैं क्या उनको मौका दिया जाएगा नहीं, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बता दी जाएगी। बाकी अगर आप लोग के 60 के ऊपर यहाँ पे मार्क्स है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा कौन सी कैटेगरी के और आपका लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को ही पता चले। बाकी CHO की कभी भी यहाँ पे कॉमन लिस्ट आ सकती है, और यहाँ पे NHM का जो नर्सिंग स्टाफ रिजल्ट हो कभी भी यहाँ पे आ सकता है। प्लस यहाँ पे जो OT टेक्निशियन की यहाँ पे जो इसकी लिस्ट आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन लोग का भी यहाँ पे जो है कॉमन मेरिट लिस्ट, इस बारे में यहाँ पे कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है, चॉइस फिलिंग की बात की जो लिस्ट है वो कभी भी यहाँ पे आ सकती है, तो आपको बता दिया जाएगा। फ्रेंड अधिक जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो शेयर कीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।